गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 20। दिस इज चैप्टर 20, पॉपुलर स्टेट्समैन। देखिए, फर्स्ट व्लादिमीर लेनिन। ही वॉज बॉर्न इन 1870। ही वॉज अ ग्रेट रशियन रिवोल्यूशनरी लीडर। ही लिबरेटेड हिज कंट्री फ्रॉम द आइसर्स। ही फॉर्म्ड ए न्यू सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑन नवंबर 7, 1917। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड राइटर। ही डाइड इन 1924। इनकी जो व्लादिमीर लेनिन थे, उनका जो बॉर्न था, उनका बर्थ 1870 में हुआ था, और ये एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही महान रशियन रिवोल्यूशनरी लीडर थे। एंड इन्होंने आइसर से अपनी कंट्री को बचाया था। एंड इन्होंने एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी बनाई थी 7 नवंबर 1917 में। एंड ये बहुत ही अच्छे विचारकारी थे, बहुत ही अच्छा सोचते थे और राइटर थे, लिखते थे, और इनकी डेथ 1924 में हुई थी। नेक्स्ट, इब्राहिम लिंकन। ही वॉज बॉर्न ऑन February 12, 1809। ही वॉज द सन ऑफ ए फार्मर। ही बिकम द 16th प्रेसिडेंट ऑफ USA ऑन November 6, 1860। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एबोलाइशिंग स्लेवरी। ही प्रिजर्व्ड हिज कंट्रीज यूनिटी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। ही वॉज शूट डेड व्हेन ही वॉज वॉचिंग ए प्ले एट फोर्ट्स थिएटर ऑन April 14, 1865। इनके जो इब्राहिम लिंकन थे, उनका बर्थ 12 February 1809 में हुआ था, और ये किसान के बेटे थे। एंड ये USA में 1860 में नवंबर 6 को 16th प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि प्रेसिडेंट की संख्या थी 16 नंबर पर ही प्रेसिडेंट बने थे USA में 1860 में, यानी कि USA के प्रेसिडेंट बने थे। एंड इन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। एंड इन्होंने संरक्षित किया था, जब सिविल वॉर हुआ था उस टाइम पे कंट्री में एक यूनिटी बनी रहे, उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। एंड जब ये एक प्ले देख रहे थे फोर्ट्स थिएटर में 1865 में 14 अप्रैल को, तब इन्हें शूट कर दिया गया था, जिससे इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला। ही वॉज बॉर्न ऑन July 18, 1918। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर्स फ्रॉम 1964 टू 1990। ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन May 1994। ही वॉज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द टू नॉन इंडियन रिसेंट ऑफ भारत रत्न 1990। इनके जो नेल्सन मंडेला थे, उनका बर्थ 18 जुलाई 1918 में हुआ था, एंड 27 ईयर्स के लिए ये जेल में रहे थे 1964 से 1990 तक। एंड ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के 1994 में, और इन्हें एक नोबल प्राइज़ भी मिला था, जीता था इन्होंने नोबल पीस प्राइज़। एंड इन्होंने एक भारत रत्न भी इन्हें अवार्ड किया गया था 1990 में। नेक्स्ट, विंस्टन चर्चिल। ही वॉज बॉर्न ऑन November 30, 1874 एट वुडस्टॉक। ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन May 10, 1940। ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर। ही स्पीच इंस्पायर द ब्रिटिश आर्मी। ही रोट द बुक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फॉर विच ही वॉज अवार्ड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। ही डाइड ऑन January 24, 1965। विंस्टन चर्चिल, यानी कि जो विंस्टन चर्चिल थे, वो 30 नवंबर 1874 में बर्थ हुआ था इनका वुडस्टॉक में। एंड ये प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 1940 में 10th मई को। एंड ये बहुत ही अच्छे स्पीकर थे, इनकी स्पीच से ब्रिटिश आर्मी काफ़ी इंस्पायर्ड होती थी, इस तरीके से स्पीच दिया करते थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके लिए इन्होंने एक नोबल प्राइज़ भी जीता था। एंड 24 जनवरी 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही वॉज बॉर्न इन 1929। ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन नेग्रो। ही वॉज अ ग्रेट नॉन वायलेंट लीडर। ही फाउट फॉर द राइट ऑफ ब्लैक पीपल थ्रू आउट लाइफ। ही वॉज अवार्डेड अ नोबल प्राइज फॉर पीस इन 1964। ही वॉज एसेसिनेटेड ऑन April 5, 1968।
एंड 1929 में इनका जन्म हुआ था और ये ब्लैक अमेरिकन थे एंड ये एक नॉन वायलेंट लीडर थे एंड इन्होंने जो ब्लैक पीपल थे उनकी लाइफ के लिए भी इन्होंने फ़ाइट किया था, उनकी हक के लिए, जो उनका हक था उसके लिए इन्होंने फ़ाइट की थी एंड इन्हें एक नोबल प्राइज़ मिला था पीस के लिए, शांति के लिए 1964 में, असेसिनेट हुए थे 5 अप्रैल 1968 में। तो ये 5 हैं जो पॉपुलर स्टेट्समैन हैं, ये आपको लर्न करने हैं। योर चैप्टर 20 इज़ कम्प्लीट।